ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की इन परेशानियों को देखते हुए बिहार बोर्ड ने दाखिला प्रक्रिया को रोकने का फैसला लिया है। बता दें कि पहली लिस्ट के आधार पर 24 जुलाई तक नामांकन करना था, जिसे अब रोक दिया गया है। वहीं अब एडमिशन की प्रक्रिया 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच चलेगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान कई छात्रों ने कोटी भरने में गलती की है। बीसी वालों ने ईबीसी, ईबीसी वालों ने बीसी भर रखा है, इसके कारण उनके एडमिशन में दिक्कत आ रही है। ऐसे सभी छात्रों को अपने आवेदन में सुधार का मौका दिया जा रहा है। आवेदक 23 से 26 जुलाई तक बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदनों को सुधार सकते हैं। इस दौरान नए छात्र नामांकन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। लाइव सीरीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।